जब बात पैरा एथलीट या खिलाड़ियों की हो तो बात उनके हौसलों की भी की जाती है। उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये बात सिर्फ वे ही जानते हैं। जज्बा और कुछ करने का जुनून हो तो मुश्किलें भी आड़े नहीं आती हैं। संदीप अभी तक 40 से ज़्यादा मेडल नेशनल लेवल पर जीत चुके हैं। संदीप जकार्ता में हुई पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं झुंझुनू के सुल्ताना गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं 1992 से ये पैरा का जो भी गेम होते हैं, पहले आर्चरी में था, वहां से खेल रहा हूं। सबसे पहले मेरे पैरा में 1992 में सिल्वर मेडल था आर्चरी में। और उसके बाद में जैसे जैसे वहां पे, पहले तो पैरा के नाम से कोई सुविधा ही नहीं होती थी, और घर वाले, समाज वाले या अपने स्टेट की कोई किसी को पता नहीं था, नहीं सपोर्ट करते थे। और स्ट्रगल का तो मतलब ये है कि विकलांग एबल बॉडी से ज़्यादा डिसेबल बॉडी को इतना कष्ट होता है। जैसे कई जगह रैंप की सुविधा नहीं होती है, ट्रेनों में आप देखते हो कि ये प्लेटफॉर्म ऊंचे नीचे होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, और टॉयलेट की है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की पॉलिसी ऐसी है जो उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब क्या करते हैं कि उनको इतनी कठिनाई नहीं होती है, होती है लेकिन इतनी कठिनाई नहीं होती है जो पहले से होती है। और अभी मैंने कम से कम मेरे 40 से ज़्यादा मेडल है, 10 से ज़्यादा नेशनल मेडल है, और मैंने एक बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था अपने पैरा इम्पुटी फुटबॉल में जो जकार्ता में हुआ था। और इसके बाद में अभी भी मैं ये एथलीट में मेरा शॉट पुट है और जेवलिंग है, डिस्कस है, इसी में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और आगे मेरा सपना यही है कि एशियन गेम्स है या ओलंपिक है, इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करूं और भारत के लिए मेडल लाऊं। बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली का पूरी तरह से हमारे ऊपर सपोर्ट रहता है, कि कई बार अमूमन देखने में आता है कि फैमिली का है, समाज का सपोर्ट नहीं रहता, लेकिन हमारी फैमिली ने, हमारे घर वालों ने और समाज वालों ने खूब मेरे को सपोर्ट किया। बाकी जैसे अभी मैं उसी खेल के प्रति ही मेरा मतलब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में। और दूसरा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी को यही कहना चाहूँगा कि इसमें भाग ले, और कठिनाइयाँ होती है, और उनके गार्जियनों को भी यही कहूँगा कि मतलब वो अपने बच्चों को बाहर निकाले और इस मुख्य धारा जो है इसमें लाने की कोशिश करे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम भी मेरे पास 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और किसी भी प्रकार की जैसे हमारे स्तर की कोई सुविधा या हमारे कुछ बताना होता तो हम बिल्कुल बताते हैं। तो हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस, ये खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुख्य धारा में जुड़े।